राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का अब समय बदलता दिख रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। कांग्रेस ने पहली ही लिस्ट में सचिन पायलट के 4 समर्थकों को मैदान में उतार दिया है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे सचिन पायलट को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, या यूं कहें कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका सिक्का चल रहा है, किसको और कहां टिकट मिलेगा सचिन पायलट के लिए, लोकसभा चुनाव लकी साबित होने जा रहा है। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसे निर्णय सामने आए कांग्रेस की तरफ से, जिससे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट का जादू एक बार फिर चलता दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच उठापटक के कौन कौन से किस्से हैं जिसको लेकर सचिन पायलट थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहे थे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच पिछले 5 सालों से सियासी जंग थी। ये छुपा किसी से नहीं है। दोनों के बीच लड़ाई दिल्ली तक पहुंची थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि 2020 में गहलोत सरकार के गिरने की नौबत थी और उसकी वजह थे सचिन पायलट। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने किसी तरह दोनों नेताओं को मनाते हुए गिरती सरकार को बचा लिया। पायलट का यह भी आरोप था कि उनके समर्थकों को सरकार में तवज्जो नहीं मिल रही। जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जी जान से मेहनत की उनकी अनदेखी हो रही, जिसके बाद सचिन पायलट के गुट में काफी गुस्सा था। सभी सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे थे। पार्टी आलाकमान ने दोनों गुटों को समझाया और दोनों को एक होकर विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा। यह अलग बात है कि चुनाव में भारी मतों से कांग्रेस की हार हुई और मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार वहां चल रही है। अब हम सचिन पायलट की बात इसलिए कर रहे हैं, वापस सचिन पायलट पर ही लौटते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट के समर्थकों को खास तवज्जो दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पहली ही लिस्ट में 4 ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते रहे। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू खत्म हो गया, उसके बजाय अब सचिन पायलट को पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है। 12 मार्च की शाम को 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई। उन नेताओं के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें, झुंझुनू से कई बार विधायक रह चुके हैं सीनियर नेता ब्रिजेंद्र ओला सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। जुलाई 2020 में पायलट और उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, उसमें एक ये भी थे। करीब 1 महीने तक गहलोत सरकार संकट में रही। पायलट अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ जब हरियाणा के होटल मानेसर में थे तब ब्रिजेंद्र ओला उनके साथ थे। ओला का कहना था कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, अब उन्हें टिकट मिला है। टोंग जिले के देवली उनियारा से विधायक रहे हरीश चंद्र मीणा को भी सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में गिना जाता है। मीणा भी जुलाई 2020 में पायलट की बगावत में शामिल थे। हरीश मीणा कई बार गहलोत के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे और अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी जो करते रहे हैं उन्हें भी टिकट मिला है। 2013 के चुनाव में हरीश मीणा बीजेपी के टिकट पर विधायक थे। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब वो दूसरी बार वहां से विधायक हैं। तीसरा नाम है अलवर के मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक ललित यादव। सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। छात्र राजनीति से ही सचिन पायलट को अपना आदर्श बताते रहे हैं, पायलट के समर्थन में बयान देते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान पायलट के खेमे की वजह से ही उन्हें टिकट मिला है। युवाओं की बदौलत उनकी जीत दर्ज हुई थी और उसमें बहुत बड़ा रोल इनका था। अलवर सीट से गहलोत समर्थक करण सिंह यादव भी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने पायलट समर्थक युवा नेता ललित यादव पर भरोसा जताया। अलवर के मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक ललित यादव भी सचिन पायलट के कैंप के हैं और छात्र राजनीति से ही उन्हें फॉलो करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिस तरीके से एक दूसरे से भिड़ते राजस्थान में नजर आते थे, वर्चस्व की लड़ाई जिस तरीके से दिखाई पड़ती थी, अब ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय आलाकमान का भरोसा, या यूं कहें कि कांग्रेस आलाकमान का भरोसा, अब सचिन पायलट पर ज्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उनके कैंप के लोगों को जबरदस्त तरीके से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। अब ये जरूर हम कह सकते हैं, या राजनीतिक विश्लेषक जो आकलन करते हैं वो ये कहते हैं कि राजस्थान का चुनाव हाथ से निकलने के बाद अब शायद केंद्रीय आलाकमान गहलोत की बजाय ज्यादा भरोसा सचिन पायलट पर करने लगी है। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हो सकता है कि अब सचिन पायलट का सिक्का राजस्थान में चलता दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।